Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram. Today's daily vocabulary word is concomitant. It was a request by Rohit Raj. Rohit, here's your lesson. First, I'll explain concomitant in English, then I'll explain it in Urdu and Hindi, so stay with me. Concomitant means accompanying. If two things happen at the same time, they are connected with each other, they are associated with each other, we will call them concomitant. If one thing happens and the other thing happens automatically with the first one, that's why these two things are connected with each other, they are associated with each other, that's why we will call them concomitant. For example, you join a gym and you work out daily, and the main purpose of you joining gym is to lose weight, but along with losing weight you will get a glowing skin, strong muscle and happy feeling. This glowing skin, strength and happy feeling is connected with the losing weight, that's why these things are concomitant. अब मैं आपको उर्दू में समझाती हूँ. कॉन्कमिटेंट का मतलब ये होता है जब दो या दो से ज्यादा चीजें जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हो, तो उनको हम कॉन्कमिटेंट कहते हैं. जैसे कि अगर एक चीज हो रही है तो दूसरी चीज उसके साथ ऑटोमेटिकली होगी. ठीक है, वो एक काम रहा है लेकिन दूसरा काम चूंकि वो फर्स्ट जो काम हो रहा है उसके साथ कनेक्टेड है तो वो ऑटोमेटिकली होगा. तो इस वजह से ये दो चीजों के अंदर ये जो कनेक्शन है, ये जो एसोसिएशन है कि एक चीज होगी तो दूसरी भी उसके साथ ही होगी, इसको हम कॉन्कमिटेंट कहते हैं. इसको मैं आपको एग्जाम्पल में इस तरह से समझाती हूँ कि जैसे अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं तो वर्कआउट करते हैं डेली, तो जिम ज्वाइन करने का मकसद क्या होता है आपका, कि आप वेट को लूज करना चाहते हैं. ठीक है, अब आप वेट तो लूज कर ही रहे हैं लेकिन जिम ज्वाइन करने की वजह से वेट तो लूज हो रहा है आपका, लेकिन उसके साथ साथ आपके अंदर कुछ और इफेक्ट्स भी आ रहे हैं. जैसे कि आप एक बड़ी अच्छी ग्लोइंग स्किन हासिल करते हैं, आपके मसल्स जो है वो स्ट्रांग होते हैं, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ पैदा होती है और एक हैप्पी फीलिंग भी इंसान के अंदर, जो लोग वर्कआउट डेली करते हैं वो बड़े हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं. ठीक है, तो ये उसके साथ साथ हो रहा है. ठीक है, आपका वेट तो लूज हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ आपको ये बेनिफिट्स भी ऑटोमेटिकली मिल रहे हैं. आपका मेन टारगेट नहीं है लेकिन वेट लूज होने के साथ साथ वो जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपको क्योंकि वो इसके साथ कनेक्टेड हैं. ठीक है, तो इस वजह से इनको आप कॉन्कमिटेंट कहेंगे. आई होप कि आपको इनको कॉन्कमिटेंट का मतलब समझ में आ गया होगा. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. अब फर्स्ट एग्जांपल इज डिजीजेस आर कॉन्कमिटेंट ऑफ ओल्ड एज, कि जो बीमारियां होती हैं वो जो ओल्ड एज होती है बुढ़ापे के साथ कनेक्टेड होती है, कॉन्कमिटेंट होती है. ठीक है ना, जो जो इंसान की एज बढ़ती है, जो जो वो बुढ़ापे की तरफ जाता है, तो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी उस पर अटैक करती हैं क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक होता जा रहा होता है. ठीक है, तो इस वजह से आप देखिए जो ओल्ड एज है वो तो हो ही रही है ना, लेकिन उसके साथ बीमारियां एसोसिएटेड है, तो इसका मतलब है कि ये कॉन्कमिटेंट है आपस में. ठीक है, आ सेकेंड एग्जाम्पल इज करप्शन इज कॉन्कमिटेंट ऑफ पावर, कि जब इंसान को पावर मिलती है ना तो उसके अंदर करप्शन पैदा होती है. ठीक है, तो ये दोनों चीजें एसोसिएटेड है, तो ये भी कॉन्कमिटेंट है. थर्ड एग्जाम्पल इज डिस्ट्रक्शन एंड पॉवर्टी आर कॉन्कमिटेंट्स ऑफ वॉर, कि जो तबाही और जो गुर्बत है, गरीबी है, वो वॉर के साथ एसोसिएटेड है. जो ही अगर किसी भी जगह पर वॉर लगेगी तो उसके जो आउटकम्स निकलेंगे वो डिस्ट्रक्शन है और वो पॉवर्टी है, वो उसके साथ कनेक्टेड. ऐसा लाजमी होगा कि जो ही वॉर होगी तो डिस्ट्रक्शन भी होगी और उस इलाके में पॉवर्टी भी पैदा होगी. ठीक है, तो ये कॉन्कमिटेंट है. ओके जी, हमारा लेसन आज एंड हुआ है. अगर आपको समझ में आया है तो काइंडली आप इस लेसन को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज़.